नाम आपका? नरेश चंद। ये जो मृतक की बॉडी मिली थी, योगी आदित्यनाथ आए थे यहाँ से एक महीना पूर्व, तो ये कौन थे आपके भाई? तो आपको अब शिनाख्त आपने अब करी है? जी आज से पता लगा है। आज आपको पता लगा? जी। क्या पता लगा? ये पता लगा कि थाने में जाके देखा तो थाने में से पता लगा। आपने शिनाख्त कर ली? कपड़ों से करी क्या? कपड़ों से की, फोटो से की। तो क्या इनकी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, क्या है आपको? कपड़े फटे हुए पाए गए थे, उससे ये लग रहा है कपड़े तो गिरने से फट नहीं सकते। तो आपको क्या क्या अंदेशा है? जी जी किसी पे शक वगैरह? शक नहीं अभी किसी। बाकी साहब बताएं, ये जो मामला है ये क्या पूरा है? ये मेरी जानकारी के अनुसार मैंने जो अभी यहाँ जो पीएफ रिपोर्ट है वो देखी और मृतक का जो फोटो लगा हुआ यहाँ पर देखा है, उससे तो निश्चित रूप से ये हत्या का ही आशंका है कि मृतक की हत्या ही की गई है, क्योंकि उसके शरीर पर काफ़ी मात्रा में खून बहरा हुआ फोटो पर प्रतीत हो रहा है और उसके जो कपड़े इत्यादि वो भी सब फटे हुए हैं। ये घर से क्या लापता थे क्या? ये बताया ये जा रहा है कि कुछ नशा इत्यादि का यूज कर लेते थे और घर से निकल जाते थे, 4-6 दिन के बाद में पुनः आ जाते थे इस तरह से। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि ये निश्चित रूप से बाहर घर से चले गए थे। इन लोगों ने आसपास में जानकारी भी की लेकिन निश्चित रूप से कोई सही जानकारी की इन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। एक महीने बाद एकदम थाने में आना क्या वजह रही है ऐसी कि इतने समय से क्या इन्हें ढूंढा नहीं है, इन्हें पता नहीं लगा क्या? अब इसके बारे में तो मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, ये तो उनका परिवार का मामला है कि इन्होंने प्रयास नहीं किया या कितना प्रयास किया, किस सीमा तक प्रयास किया है। कोई तहरीर वगैरह दी है इन्होंने? नहीं, इससे पूर्व कोई तहरीर नहीं दी, आज ही इन्होंने प्रथम बार तहरीर दी है थाने। उस तहरीर में क्या है, क्या दिया है? उस तहरीर में तो इन्होंने यही दर्शाया मेरी जानकारी के अनुसार जो मैंने पढ़ा है कि वो नशा इत्यादि का सेवन कर लेते थे और पहले भी कई बार इस तरह से घर से चले जाते थे और आ जाते थे, लेकिन हत्या का नहीं, ये लोग तो कोई इस तरह की बात सामने नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कि, मगर ये कह रहे हैं कि हाँ हत्या हुई है।